खाऊं खाऊं किसको खाऊं, इसको खाऊं उसको खाऊं, खाऊं खाऊं किसको खाऊं। अरे ये तो लगता है चुड़ैलों की महारानी को भूख लग रही है। अभी ये क्या नया चीज है? अरे कोई नया चीज नहीं है, जब हमारी महारानी को भूख लगता है तो वो वैसे ही करती है। चलो चलकर देखते हैं कि क्या खाना चाहेंगी महारानी। कहती हुई चुड़ैलें अपनी महारानी के पास जाती है जो कि काली गुफा में बैठी हुई होती है। खाऊं खाऊं किसको खाऊं, इसको खाऊं उसको खाऊं। महारानी आपको भूख लगी है? हाँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाने की व्यवस्था करो वरना मैं तुम में से किसी को खा जाऊंगी। अच्छा अच्छा आज लेकिन आज क्या खाएंगी आप? मुझे आज मछली खाना है, मछलियों को पकड़ कर लाओ और हो सके तो मछलियों की रानी को भी पकड़ कर ले आओ। ठीक है महारानी। कहते हुए चुड़ैले वहां से निकलती हैं, जंगल तक पहुंचती हैं, फिर झील तक पहुंचती हैं, लेकिन उनके हाथों में एक भी मछली नहीं लगती है। वो जंगल में घूमने लगती है किसी दूसरे झील में जाने के लिए। उसी समय उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा राक्षस जिसके दो सिर थे और वो जैसे लग रहा था कि खेतों में मछलियाँ उगा रहा है और मछलियाँ खेतों में लाइन से खड़ी थी। अरे इस बार तो मेरी मछलियों की फसल बहुत अच्छी हुई है, कौन है जो खरीदेगा इसे? चलो इस बार तो हमारे खाने के बाद भी मछलियाँ बच जाएंगी। आसपास उसके कई राक्षस होते हैं, चुड़ैल वहाँ पहुँचती है। अरे ये तो चुड़ैले है, कहो बहनों क्यों आई हो? हम यहाँ दरअसल अपनी महारानी के लिए मछलियाँ लेने आए हैं। झील में तो कोई भी मछली नहीं मिली, लेकिन शायद यहाँ मिल जाए, यही सोचकर गुजर रहे थे तो आपके मछलियों से भरे खेत को देखा। अच्छा अच्छा ले जाओ इन मछलियों को, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। चुड़ैलें मछलियाँ लेकर साथ पहुँचती हैं काली गुफा में और रानी जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे वाह ये तो बड़ी स्वादिष्ट है, मुझे तो आनंद ही आनंद आ गया। अगर ये मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं तो फिर वो जलपरियाँ कितनी स्वादिष्ट होंगी। अब तो मुझे हर हाल में जलपरी चाहिए। लेकिन महारानी वहाँ कोई नहीं निकलता है, हमने कई बार कोशिश की। हाँ महारानी ये सही बोल रही है, हमने कई बार कोशिश की, ये तो हमें कहीं और से मिला। कहाँ से मिला तुम्हें ये मछलियाँ? दरअसल एक राक्षस मछलियाँ उगा रहा था खेत में, उससे ही मिला है। तो क्या हुआ, मुझे हर हाल में चाहिए जलपरी का मांस और मैं खाए बगैर नहीं रह सकती। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ झील में, देखती हूँ कैसे जलपरियाँ बाहर नहीं आती हैं। पास खड़ी गिलहरी ये सारी बातें सुन रही थी, वो जल्दी जल्दी पहुँची झील के किनारे। अरे ओ जलपरियों की रानी, अरे ओ जलपरियों की रानी बाहर आओ। अंदर, अरे ये तो हमारी दोस्त गिलहरी का आवाज है, चलो अब ऊपर चलकर देखते हैं, लगता है कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है। जलपरियाँ पानी से बाहर आती हैं, तो गिलहरी उसे बताने लगती है। तुम्हारे मौत का इंतजाम कर रही है चुड़ैल, वो आने वाली है और उसके साथ कई और चुड़ैलें भी आने वाली हैं, वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगी। अच्छा किया तुमने हमें बता दिया, हम अब तैयारियाँ करके रखेंगे। लेकिन गिलहरी को बीच रास्ते में ही चुड़ैलें पकड़ लेती हैं। ओ खबरी खबरी गया था खबर देने के लिए, अब बताओ अब इसे भी अपनी चिंता नहीं हो रही? ही बहुत दिनों से वैसे गिलहरी भी नहीं खाई महारानी ने, चलो। इतना कह के वो चुड़ैलें गिलहरी पकड़ कर ले जाती हैं काली गुफा में। ये किसे ले आई, इससे मेरी भूख क्या मटेगी, ये तो मेरे लिए अचार बराबर है। ही महारानी अचार समझ के ही खा लो, ये हमारी बातें जलपरियों को बताने के लिए गया था, इसने सारी योजना बता दी है। अच्छा लाओ पहले मैं इसे चट कर जाती हूँ और थोड़ा योजना बदलते हैं और शक्तिशाली दैत्यों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है महारानी। अब अचानक से ढेर सारी चुड़ैलों और भूतों का धावा हो जाता है झील के ऊपर।
अब ये अपनी शक्तियों से झील के पानी को सुखाने लगती हैं। जैसे जैसे झील का पानी सूखता है वैसे वैसे जलपरियां दिखने लगती हैं। अरे अरे ये पानी सूख रहा है, हम तो बिन पानी के मारे जाएंगे। अभी भी तुम लोगों के पास मौका है, मेरे साथ समझौता कर लो। मैं एक बार में सभी जलपरियों को नहीं मारना चाहती, एक एक जलपरिया रोज मेरे पास आ जाए तो मैं बाकी जलपरियों को छोड़ दूंगी। जलपरियां आपस में विचार करती हैं और उन्हें लगता है कि यही सही होगा कि एक एक जलपरी चली जाए। नीली जलपरी बाहर आती है। मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो। उस जलपरी को लेकर चुड़ैले काली गुफा में पहुँच जाती हैं और फिर उसे मार कर खा जाती हैं। अगले दिन फिर एक जलपरी को लाया जाता है, लेकिन इस बार राक्षसों में और चुड़ैलों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तुमने पिछली बार खाया था, अब मुझे खाने दो। अरे अरे मेरी महारानी के भूख शांत नहीं हुए हैं, उन्हें पहले अपनी भूख मिटाने दो। लेकिन दोनों ही लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई के क्रम में जलपरी को पता चलता है कि आखिर कैसे मरेगी महारानी चुड़ैल। चुड़ैलें अपनी शक्तियों का प्रहार कर भूतों और राक्षसों को मार देती हैं। पड़ा आया था हमारी महारानी को मारने वाला। अरे हमारी महारानी तो एक गुप्त रहस्य है जिससे मारी जा सकती है, तुम भूतों और राक्षसों की बस की नहीं है। हमारी महारानी को माचिस की तीलियों से मारा जा सकता है, पर तुम दैत्यों के पास माचिस की तीली कहाँ? जलपरी ये सब कुछ सुन लेती है और एक कागज में लिखकर एक बोतल में डाल उस बोतल को प्रभावित कर देती है नदी में। हालांकि उस जलपरी को फिर पकड़कर चुड़ैले ले जाती है काली गुफा में और उसे भी महारानी चट कर देती है। लेकिन इस जलपरी का संदेश जलपरियों के संसार तक पहुंच जाता है। ये तो सब ठीक है, लेकिन आखिर माचिस हम लाएंगे कहाँ से? ये तो मानवों के पास होता है, मानव इसका इस्तेमाल करते हैं। पास में ही एक गांव है राजकुमारी जी, हम वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से अपनी सारी बात कह के ले आएंगे। एक जलपरी गांव में जाती है और सारी आप बीती गांव वाले को सुनाती है, जिसके बाद गांव वाले तैयार हो जाते हैं। एक बड़ा सा माचिस का और माचिस की तीलियों का मंच बनाया जाता है और जहां जादू से जलपरी के पुतले रख दिए जाते हैं जो हूबहू देखने में जलपरियां लगती हैं। चुड़ैले वहां पहुंचती हैं। ही 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 देखो महारानी देखो, ये तो पहले ही खड़ी है लेकिन आज पानी से बाहर खुद ही आ गई है सारी की सारी। हाँ वही तो मैं भी देख रही हूँ, खैर खाने में मजा आएगा, मैं पहले जाती हूँ, आज यहीं शुरू कर देती हूँ। कहकर वो माचिस से बनी मंच पे चली जाती है और इधर नीचे से गांव वाले आग लगा देते हैं जिससे उस चुड़ैल की मौत हो जाती है। जलपरियां गांव वालों को धन्यवाद कहती हैं। आप सभी ने हमें बचाया, इसके लिए धन्यवाद। गांव में कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बोले, मैं मदद जरूर करूंगी।